इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बार फिर अपने ट्विटर पर प्रोफाइल पिक बदली है। जी हां, और जो कमलनाथ 4 अगस्त को भगवा पहने नजर आए थे, अब तस्वीर पहले जैसी ही हो चुकी है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, 4 अगस्त 2020 की है, जब राम मंदिर भूमि पूजन से पहले कमलनाथ ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर भगवा वस्त्र पहने हुए एक फोटो लगाई थी, तस्वीर लगाई थी। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उस तस्वीर में आप देखिए, एक बार फिर से वही पुराने स्वरूप में लौटा है कमलनाथ। ट्विटर पर प्रोफाइल बदलने के पीछे अब कई कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर शिलान्यास का स्वागत करने पर पार्टी में ही विरोध के सुर उठे हैं, इसके बाद ये फैसला लिया गया है। हालांकि कमलनाथ के ट्विटर प्रोफाइल बदलने के बाद केरल के त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र के सांसद टीएन प्रतापन के पत्र का भी हवाला दिया जा रहा है। जब कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण का स्वागत किया और दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ के सुर में सुर मिलाया, तब टीएन प्रतापन ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस मसले पर नाराजगी जताई थी। तो क्या माना जाए कि ये उसी नाराजगी का असर है कि ट्विटर पर कमलनाथ ने अपना फिर से पिक्चर बदला है, टीपी बदला है। हालांकि नाराजगी जो व्यक्त की थी और जो पत्र टीएन प्रतापन ने पत्र जो लिखा है, उस पत्र में क्या कुछ लिखा आपको ये भी बताते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया बीजेपी और आरएसएस के अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे भागने जैसी है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी है, हमें उस हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो बीजेपी और आरएसएस का है। कांग्रेस का रुख बीजेपी के हिंदुत्व के रुख का समर्थन करना नहीं है। मेरा नाम प्रतापन है, मैं भी हिंदू हूं, मैं भगवान की आराधना करता हूं, मैं अक्सर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं। हम उस हिंदुत्व का समर्थन नहीं कर सकते जो बीजेपी और आरएसएस का है। हम अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे इसके नरम स्वरूप के साथ भाग नहीं सकते। हमें इस हालात का एहसास करना चाहिए। ये एकता, सौहार्द और सहिष्णुता की राजनीति की विरासत पर आधारित होना चाहिए। हालांकि देखिए, कमलनाथ इस मसले पर बयान दे चुके हैं। राम मंदिर के मसले पर कमलनाथ ने कई बार बयान दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। कांग्रेस बाबरी मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ थी। कांग्रेस का रुख साफ था कि हम इस पर अदालत के फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया और वो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, लेकिन बाकी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। क्या बीजेपी ने हिंदू धर्म का पेटेंट कराया है? क्या बीजेपी ने धर्म और भगवान राम के लिए एजेंसी ली है? तो जाहिर है कि कमलनाथ तो जरूर इस पर पहले ही बयान दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से ट्विटर पर पिक्चर बदला है कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर, इसके अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरफ सांसद की नाराजगी बताई जा रही है जो पत्र सोनिया गांधी को उन्होंने लिखा, उन्होंने तर्क दिया और उन्होंने तर्क में यह भी कहा कि हम बीजेपी और आरएसएस के उस हिंदुत्ववादी सोच का समर्थन नहीं कर सकते। इधर कमलनाथ पहले ही बयान दे चुके हैं। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के भूमि पूजन कार्यक्रम के दिन जो कार्यक्रम में शिरकत की थी, उस वक्त राम की पूजा हुई, राम का बड़ा पोस्टर लगा पीसीसी कार्यालय में। जन्माष्टमी की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई थी। ये तमाम दोनों जो इवेंट कांग्रेस ने किए, ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहे।